हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टेस्टी कुकिंग 11 पर। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मकई का साग। यह सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है और यह बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने हमारे भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज आएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बनाने के लिए देखिए, मैंने आधा किलो मकई के पत्ते लिए हुए थे और उसको मैंने महीन महीन कट कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। और चलिए इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं 4-5 पानी से, ताकि इसकी जो बालू मिट्टी है वो सारी निकल जाए। तो चलिए इसको हम फटाफट वॉश कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने साग को अच्छे से धुलकर कर लिया है रेडी। मैंने इसको 3 से 4 पानी धो लिया ताकि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी विट्टी करा नहीं रह गई है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस पे रख दी मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे हम 3 टेबल स्पून से ऑयल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। जब हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो जाएगा तब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक और चिली। तो फ्रेंड्स, ऑयल को हम अच्छे से हीट हो जाने देते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी ये जो मैं आज मकई का साग बना रही हूँ, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऑयल हो गया है अच्छे से हीट, मैं इसमें डाल दे रही हूँ लहसुन। मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ ले ली थी और उसको महीन महीन कट कर लिया है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसको डालकर मैं चला देती हूँ ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च। मैंने 5 से 6 हरी मिर्च भी कट कर ली हैं, वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम चलाकर अच्छे से भून लेंगे ये देखिए, ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लहसुन और मिर्चा कलर चेंज कर चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी अदरक। मैंने 1 इंच अदरक रख कर लिया था, उसको बिल्कुल महीन महीन चॉप कर दिया था ये देखिए, वो भी मैं इसमें डाल दी हूँ ये देखिए। इसको चला कर भी हम भून लेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा लहसुन और मिर्चा अच्छे से भुन गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटे से चम्मच से हींग। हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये हमारे पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो देखिए, हमारे सारे मसाले ये अच्छे से भून कर हो गए हैं रेडी। तो आइए इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें ये जो मकई का साग मैंने काट कर रखा है वो मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारा साग डाल दिया है और अच्छे से हम अच्छे से चला देते हैं ताकि ये बराबर मिक्स हो जाए ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बराबर चला दिया है। और इसमें भी हम नमक नहीं डालेंगे, इसको हम थोड़ी देर ढककर पका लेंगे, क्योंकि अभी ये पानी छोड़ेगा, ये पानी को रिलीज़ करेगा ना, इसलिए मैं थोड़ी देर इसको बिना नमक डाले ही पकाऊंगी। तो आइए मैं इस पर लिड लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको लिड लगा दिया है और 2 से 3 मिनट तक इसको मैं ऐसे ही हाई फ्लेम पर पकने दूंगी। तो चलिए इसको मैं ऐसे ही पकने दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, आइए एक बार हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं साग को। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। मैंने इसमें 1/2 किलो मकई का साग लिया हुआ था और ये देखिए इतना बचा हुआ है। और देखिए, इसने पानी को भी रिलीज़ किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर रखा हुआ था। तो देखिए, इसने पानी रिलीज़ कर दिया है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो अब आइए इस स्टेप पर मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, अभी थोड़ा बहुत ही और कम होगा। आइए फ्रेंड्स, नमक डाल देते हैं। ये देखिए, मैं इसमें 1/2 चम्मच से कम ही कम नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, अभी ये और भी कम होगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, इससे मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसमें नमक का यूज़ किया डाला है, वैसे ही ये और भी पानी को रिलीज़ करने लगा है। तो ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया, गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखे हैं। थोड़ी देर के लिए हम और इसको ढककर पका लेंगे। थोड़ी देर के लिए मतलब, तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर इसको पका लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लिड लगा देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और आइए हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हमारे साग में बिल्कुल भी नहीं रह गया है। और आइए इसको हम अच्छे से देते हैं चला। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए पानी नहीं रह गया है और हमारा साग भी बिल्कुल पक गया है। मैंने इसको हाई फ्लेम पर ही पकाया हुआ है, बट अब आइए इसको हम भून लेते हैं अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल सूख जाए। और फ्रेंड्स, इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
ये लीवर के लिए तो अच्छा है ही है, अगर जॉइंट्स वगैरह होती है तो उसमें भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जूस बनाकर पीजिए और साग बनाइए, और जो इसके मकई होती है वो आप इसको खाइए, खाली पेट खाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से रही हूँ भून, आइए इसको मैं अच्छे से भून लेती ताकि इसका बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा साग अच्छे से भुन गया है और इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं रह गया है, बिल्कुल ही सूख गया है। इस स्टेज पे मैं कर दूंगी गैस की फ्लेम को बंद और इसको मैं कर लूँगी बोल में सर्व। तो आइए इसको मैं बोल में सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा मकई का साग बनकर हो गया है रेडी। अब आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं और इसको टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। अगर अच्छा बना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।